आज दिल्ली सरकार की स्टेट यूनिवर्सिटी गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन था और आज जो उस ईस्ट कैंपस के उद्घाटन में एलजी साहब जो अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को लेकर आए थे, उन्होंने किस तरह से बर्ताव किया, ये ना सिर्फ दिल्ली वालों ने पर पूरे देश भर ने देखा। सबसे पहले तो आज मैं एलजी साहब से पूछना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल जी के काम का क्रेडिट लेने के क्यों पीछे पड़े हुए हैं। मैं एलजी साहब से पूछना चाहती हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी के पूरे कंस्ट्रक्शन को दिल्ली सरकार ने करवाया, जिस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को, जिस यूनिवर्सिटी की पूरी प्लानिंग को दिल्ली सरकार ने करवाया, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप उसका उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए? आपने क्यों यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया, शिक्षा विभाग पर दबाव बनाया और उनको कहा कि अगर तुमने मुझसे उद्घाटन नहीं करवाया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा? ये जोर जबरदस्ती एलजी साहब क्यों कर रहे हैं? क्या एलजी साहब को पता नहीं है कि एजुकेशन एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है? क्या एलजी साहब को पता नहीं है कि उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है? मैं तो एलजी साहब से ये पूछना चाहूंगी कि आपको आए हुए 8-10 महीने हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 8 साल से काम कर रही है, आप कूद कूद के सामने आकर फोटो खिंचाने की होड़ में क्यों लगे रहते हैं? एलजी साहब विनय सक्सेना जी ये दिखाना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाई, वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। तो मैं एलजी साहब से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए और दिल्ली की जनता को ये बता दीजिए कि क्या रत्ती भर कॉन्ट्रीब्यूशन आपने इस यूनिवर्सिटी को बनाने में किया? आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या रत्ती भर कॉन्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार ने किया? और आप मुझे ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी फोटो आपने जोर जबरदस्ती से स्टेज पर लगवाई, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने में क्या योगदान किया? देखिए, इसका जवाब सब जानते हैं कि ना एलजी साहब ने, ना केंद्र सरकार ने, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईपी यूनिवर्सिटी को बनाने में और खड़ा करने में कोई भी योगदान दिया है। लेकिन आज एलजी साहब ने अनजाने में एक चीज तो जरूर कर दी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पर्दाफाश कर दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि मोदी जी के पास अपनी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसपे वो अपनी फोटो लगवा सके, उनके पास कोई ऐसी उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है जिसको वो सीना ठोक कर गर्व के साथ दुनिया को दिखा सके कि ये हमने बनवाया है। इसलिए इतने बड़े देश की छोटी सी दिल्ली के आधी सरकार के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की यूनिवर्सिटी पर आज एलजी साहब को मोदी जी की फोटो लगानी पड़ रही है। तो आज एलजी साहब ने पूरे देश को बता दिया, एलजी साहब ने मोदी जी की पूरी पोल खोल दी कि उन्होंने इतने सालों में बतौर प्रधानमंत्री एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, एक भी ऐसा कॉलेज नहीं बनाया जो वर्ल्ड क्लास हो, एक भी ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान नहीं बनाया जो देश विदेश को टक्कर दे सकता है। तो आखिरकार उस मजबूरी में, क्योंकि उनके भी चुनाव आ रहे हैं मोदी जी के, उनको अरविंद केजरीवाल जी की यूनिवर्सिटी पर अपनी फोटो लगानी पड़ी। पर कम से कम इससे पूरे देश को एक बात तो स्पष्ट हो गई कि देखिए, काम तो अरविंद केजरीवाल जी ही करते हैं, काम कोई दूसरा नहीं करता, और मोदी जी को भी आखिरकार केजरीवाल के काम पे ही अपनी फोटो लगाकर
अपना क्रेडिट लेना पड़ता है। लेकिन मैं एलजी साहब से एक मंत्री होने के नाते नहीं, मैं दिल्ली की एक नागरिक होने के नाते एक निवेदन करना चाहती हूँ। एलजी साहब, ये देश, ये शहर एक संविधान से चलता है। संविधान ने दिल्ली की कुछ जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार को दी है और कुछ जिम्मेदारी आपको दी है। लेकिन जब से आप एलजी बने हैं विनय सक्सेना जी, आप कूद कर अरविंद केजरीवाल जी के काम के सामने आके फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते। लेकिन जो संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, उस पर आप एक मिनट भी नहीं बिताते हैं। और आज दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है कि दिल्ली में कोई भी महिला अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकती है। अभी साक्षी हत्याकांड में हमने देखा कि किस तरह बर्बरता से साक्षी का कत्ल होता है। हमने कुछ ही महीने पहले देखा किस तरह से एक लड़की को घसीट कर किलोमीटरों तक ले जाया गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया। महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, हिंसा हो रही है, उनका कत्ल हो रहा है, और एलजी साहब अरविंद केजरीवाल के कामों के सामने फोटो खिंचाने में बिजी हैं। महिलाएं अपने घर में, अपने घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, लेकिन एलजी साहब जबरदस्ती आईपी यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है, अरविंद केजरीवाल की सरकार की यूनिवर्सिटी है, वहां पे फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। एलजी साहब, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उस संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें। अरविंद केजरीवाल के काम के सामने कूद कूद के फोटो खिंचाने के बजाय महिलाओं को सुरक्षा दें, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें। दिल्ली में हो रहे महिलाओं के साथ हिंसा, बलात्कार और जो कत्ल हो रहे हैं उनको रोकें। धन्यवाद।